हेलो दोस्तों, माय सेल्फ श्याम और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ डिमोन्स्ट्रेशन के बारे में और उसके टाइप्स। तो चलते हैं, देखते हैं डिमोन्स्ट्रेशन। डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? मतलब डिमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है किसी भी चीज को करके देखना, मतलब शोइंग बाई डूइंग। इसका जो मतलब होता है वो होता है आपका शोइंग बाई डूइंग। और जिसका कॉन्सेप्ट दिया था डिमोन्स्ट्रेशन का, वो दिया था आपका डॉक्टर सीमैन एक्टर। वो भी उन्होंने दिया था 1885 में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। जो इसका प्रिंसिपल है दोस्तों, वो आपका है लर्निंग बाय डूइंग एंड सीइंग। जो इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है इसका लर्निंग बाय सीइंग एंड डूइंग। जो इसके टाइप होते हैं वो होते हैं थ्री टाइप। मतलब पहला होगा आपका मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, नेक्स्ट हो गया आपका रिजल्ट, और उसके बाद होता है नेशनल एंड कंपोजिट डेमोन्स्ट्रेशन। तो पहले बात करते हैं हम लोग मेथड डिमोन्स्ट्रेशन के बारे में। क्या होता है मेथड डिमोन्स्ट्रेशन? मेथड डिमोन्स्ट्रेशन इसमें ये होता है दोस्तों, ये सिंगल टाइप डिमोन्स्ट्रेशन होता है एंड सॉरी, ये शॉर्ट टाइप डिमोन्स्ट्रेशन होता है। इसमें नो मतलब कि इसमें नो कंपैरिजन ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड न्यू टेक्नोलॉजी। और दोस्तों इसमें जो मेनली ध्यान दिया गया था स्किल पे दिया गया था, मतलब कि हाउ टू ऑपरेट मशीनरी, हाउ टू यूज पेस्टिसाइड और इन सब चीजों पे ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट, और ये जो गिव टेक्निकल इंफॉर्मेशन, इसमें स्किल पे जोर दिया गया था। हाउ टू यूज अ पेस्टिसाइड। और ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग है, मतलब ये ट्रेनिंग का जो है सबसे किसी भी ओल्डेस्ट फॉर्म है, मतलब ट्रेनिंग का ये ओल्डेस्ट फॉर्म है, ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग।
नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन के बारे में। रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है कि इसमें मतलब मेथड डिमोन्स्ट्रेशन में नो कंपैरिजन ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड न्यू टेक्नोलॉजी, बट जो आपका रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन होगा उसमें होता है कि कंपैरिजन होता है ओल्ड एंड न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में। तो हम लोग बात कर लेते हैं, आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो हम लोग नेक्स्ट इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट है अपना रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन। जो इसका अपना पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म डिमोन्स्ट्रेशन, लॉन्ग टाइम डिमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट इसमें कंपैरिजन हुआ था ओल्ड टेक्नोलॉजी, ओल्ड एंड न्यू टेक्नोलॉजी के बीच। नेक्स्ट है इसमें कि इसका जो नेक्स्ट है सीइंग इज बिलीविंग, मतलब किसी भी चीज को देख के विश्वास करना। सीइंग इज बिलीविंग। जो इसका होता है कि ये एडॉप्शन के लिए बहुत जरूरी है, मतलब एडॉप्शन प्रोसेस के लिए बहुत इफेक्टिव पड़ जाती है। मतलब कि फार्मर जो है फील्ड पे गए, मतलब कि देखा उन्होंने कि इसने इस वैरायटी ने अच्छा मतलब प्रोडक्शन दिया है, तो फार्मर उस वैरायटी को देख करके मतलब उसको एडॉप्ट कर लेते हैं। ये मतलब जो ये डेमोन्स्ट्रेशन है ये वेरी इफेक्टिव फॉर द एडॉप्शन। एडॉप्शन नेक्स्ट है तो दोस्तों अपना है नेशनल एंड कंपोजिट डेमोन्स्ट्रेशन। कंपोजिट डेमोन्स्ट्रेशन इसका जो अदर नाम है वो है आपका दोस्तों फर्स्ट लाइन डिमोन्स्ट्रेशन, या फिर इसको कहते हैं फ्रंट लाइन एक्सटेंशन वर्क। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट लाइन डिमोन्स्ट्रेशन इसको भी कहते हैं, या फिर इसको फ्रंट लाइन एक्सटेंशन वर्क भी कहते हैं। इस वाले जो डिमोन्स्ट्रेशन में मेनली फोकस किया गया था वो किया गया था कि पर यूनिट एरिया मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज हो, उसके लिए हमको क्या क्या यूज करना होगा, जैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग करना होगा और हाई बिल्डिंग वैरायटी का यूज किया गया था।
और जो ये आया था आपका, जो ये फ्रंट लाइन डिमोन्स्ट्रेशन जो लाया गया था वो आया था आपका 1965 में, और ये आया किसके थ्रू आया था, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। इसका जो मेन एम था पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, पर यूनिट एरिया इंक्रीज प्रोडक्शन। इसके लिए मतलब हम लोगों ने मल्टीपल क्रॉपिंग, क्रॉपिंग एंड हाई यील्डिंग वैरायटी का यूज किया था। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज का। अगर आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।